सो गाइस गुड मॉर्निंग, यहाँ रख रही हूँ मैं यशी का टिफिन। मैंने टिफिन में रखा है अनार। ये देखिए फ्रूट तो मतलब कंपलसरी होता है। यहाँ पे रखी है मैंने सैंडविच, चीज़ सैंडविच, और यहाँ पे रखे मैंने बादाम। तो ये भिगोए हुए थे, मैंने छीले नहीं थे। यशी बोली मम्मा मैं छीलूँगी, तो मैंने कहा ठीक है। और ये ना हफ्ते में एक दिन ही अलाउड होता है कि सैंडविच आप रख सकते हो, नहीं तो बाकी तो सब्जी रोटी पराठा यही सब चलता रहता है। सारे कपड़े मैं नूनू निकाले, आज मैं ना मैं नोनू की कबर ठीक कर रही हूँ। नोनू के इतने सारे कपड़े हो रहे हैं ना, तो बेतू की ठीक कर रही हूँ ना कबर मम्मा को। ये वाली छोटी होगी, मैं बेतू की यूसीबी की छोटी होगी, ये वाली चेंज करेंगे, ये वाली हटाएंगे, ठीक है। किसी बेबी को दे देंगे, ये वाली बेबी पहन लेगा, कोई छोटू बेबी होएगा ना वो पहन लेगा, दे आएंगे किसी को। ओके, नोनू की न्यू ले आएंगे फिर। नोनू की बहुत सारे न्यू है ऑलरेडी, ये रही नोनू के सारे न्यू ही है। ये अभी तो ली थी ये वाली, देख सब, ये तो तूने पहनी भी नहीं है। ये छब नोनू की है, मैं बेतू की जींस है, छब बेतू की है, ये भी, ये वाली भी छब। क्या ये तो मेरे भी नहीं देगा? नोनू नहीं देगा, अभी बेटी है तो बेतू की बेतू की। पापा के पास ले जा, बुलाइए इसने। सो आज ना नोनू की हो रही है कबर ठीक। और ये देखिए इसके बहुत सारे कपड़े ऐसे जो मैं थोड़े बहुत हटा दूंगी इनमें से, और कुछ मैं रखूंगी, तो ये कबर करनी है मुझे ठीक। तो चलिए पहले करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो मैं नहा चुकी हूँ फटाफट, यहाँ पे मेरा कुका भी नहा चुका है। ये देखिए कुका की तबीयत थोड़ी सी खराब है, रात को पता नहीं क्यों वोमिटिंग लग रही है, तो इसको दिखा के लाना है आज, और थोड़ा सा बाहर भी निकलेंगे। तो वैसे तो ठीक है, बट रात को पता नहीं क्यों वोमिटिंग हो जाती है इसको, तो थोड़ी सी खांसी अगर आती है ना तो उसी से हो जाती है। तो आज बनानी है मेरे को वीडियो, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले बस मैं अपने राइस वाइस किचन पूरी क्लीन कर आई थी, और ये वीडियो भी किचन में ही जाएगी। तो मैं नहा धो के होगी रेडी, और यहाँ पे देखी तो मैं सोच रही हूँ बस मेरा काम बड़ा फिनिश होए, और यशवी के स्कूल आने से पहले मैं मेरी वीडियो बना लो, क्योंकि पापा जाएंगे बाहर तो इनकी थोड़ी सी हेल्प लगेगी। तो देखो थोड़ा सा अगर घर में सब लोग देखते ना तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी बनाऊंगी। तो नोनू ये रहा यहाँ पे है ना, तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में बिना स्किप करे, देखिएगा। और हाँ, मीशो का कैसा क्या लगा सीन आप लोगों को जरूर बताना। तो मैंने क्या ऑर्डर करा और मुझे क्या रिसीव हुआ, बस मैंने रख लिया है, एक दो बार पहन के हो जाएगा काम। तो क्योंकि रिटर्न में जितनी बार डाला है इसमें कभी पेमेंट वापस आई भी नहीं है मेरी, अब तक नहीं आई, और 5-6 बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ में। तो मैं मिलूंगी थोड़ी देर बाद, एक बार एक चीज दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए यशवी ने ना मेरे नेल पेंट लगा लगा के मतलब 3 से 4 कलर चढ़ा दिए हैं। यहाँ से देखो नेल पेंट निकल गई तो दोनों पैरों पे, तो मैं ये वाली मैं सोच रही नेल पेंट निकाल के दूसरी वाली लगाऊंगी। और रोज़ लगा देती है मेरे, देखो नीचे पिंक का, ऊपर ये ब्राउन कलर की है, उसके नीचे भी एक और रेड थी मैं जो लगवा के आई थी, तो मैं ये भी रिमूव करूँगी और इसकी जगह दूसरी लगाऊंगी आज। तो नेल पेंट है ना, तो हाथ की भी थोड़ी सी है, ये भी चेंज कर लूँगी। और यहाँ पर कुका देखो, सुबह सुबह नाश्ता वास्ता सब हो चुका है, नहा चुका है, कपड़े चेंज हो चुके हैं, तो चलिए सीधा किचन में। सो हे गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, टाइम हो गया 1:10 होने वाला है। तो मेरे को ना एक वीडियो बनानी थी, तो मैंने ये वाला सूट यानी कि कुर्ती वेयर करी है इस वाले उस पर, तो बताना जरूर कि कैसी लग रही है। और मंगलसूत्र पहना, बाकी कुछ नहीं। और ये बेल्ट जो आप लोग देख रहे हो ये है मेरे बैगेट के बैग की आई थी, जो लंबी वाली होती है ना, स्ट्रैप होती है वो वाली थी, तो मैंने इसमें यूज़ कर ली क्योंकि कुर्ती ना बहुत ज़्यादा मुझे लूज लग रही थी और इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये वाला कर लिया। हेयर स्टाइल सेम किया है जो मैं हर बार करती हूँ, हाथों में कुछ नहीं, बस नॉर्मल सिंपल सा लुक करा है। तो मैं चाह रही हूँ कि यशवी आई से फटाफट उसे पहले मैं अपनी वीडियो शूट कर लूँ, तो 2-3 वीडियो बनाते हैं किचन में, फिर मिलते हैं आप लोगों से। चलिए सीधा चलते किचन में। ये बेटी चप्पल पहनी है मैंने, ये वाली न्यू जो मैं लेके आई थी आज। ये बता किस चीज की है? बैग की। हाँ लूज लगी थी बहुत ज्यादा कुर्ती, तो फिर मैंने यह डाल दी है। नहीं और चार रखी है। नोनू मम्मा कैसी लग रही है? ऐसी पापा को बोला वीडियो बनाएंगे। चल यहाँ पे बढ़िया जलेबियाँ जो कल लेके आए थे हम लोग, यहाँ बन चुका है खाना, कीवी कट करके यही पटक दी, नाज ना करा दू, खासिक दवाई दे दी। यहाँ पे बन चुकी है दाल, यहाँ लगा दिए थे मैंने राइस। तो चलिए वीडियो शूट करते हैं, फिल्म करते हैं आप लोगों से। सो गाइस बन गई है मेरी अभी वीडियो, तो चलते हैं। एक किचन में बनाई है मैंने और यहाँ बनाई है एक, तो मम्मी खा रही है यहाँ पे खाना। तो मम्मी का खाना देखो, प्लेट तो ले लेती मम्मी। अरे भाई जो काम करके थक कर हाथ में खाना रोटी लेके खाना खाओ उसका मजा ही अलग है। अच्छा पता चलता ना कि कितनी मेहनत से थक थका कर हाथ में रोटी लेके सब्जी रख के खाओ, कितना पता चला कितना स्वाद आ रहा है। सब्जी अलग रख रखी है, रोटी हाथ वाली रखी है, सब्जी हरा साग भी रख रखा, रोटी भाई मैं नहीं खा सकती ऐसे। दिखा
ओ माय गॉड, तुमने रात वाला दिन वाला खाना खाया? अब ये कल मेरे दिन में दिखाया था, वो तो दिखेगी, शक्ल दिखेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो काम कर फिर हाथ में रोटी रखो, देखो कितना मजा आता। कल चटनी जो हुआ ना, वो हाथ पर रख के खाओ रोटी, वो मैंने फेंक दी। क्यों? करियो नोनू वापिस, नोनू को दिंग दिंग दांग खेलना है क्या? किसके साथ? पापा के साथ? क्या पहनेगी? तो कैसे भी ना, हम लोग निकल गए हैं, टाइम हो गया 5:30। यशी, मैं, पतिदेव और मम्मी लिफ्ट गई, लिफ्ट गई। अच्छा यशी, आ रही, खोल दो। मम्मी तो आएगी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं काम कुछ, तो केती की टी शर्ट लेंगे, एक दो वही लेंगे और एक दो काम और, चुटर पुटर गोलगप्पे खा के आएंगे, पानी पूरी। तो चलिए चलते हैं। हाँ, नीचे गई वा? पानी भर रहा था, कोई बिछड़ का गिर जाएगा। ना फिर मैं पीछे बैठूंगी, चल तूने मेरी सीट ले ली, दादी के पास बैठ पीछे, फिर मैं पीछे। नहीं, इट्स वेरी बैड। अच्छा चल बेबू, लेट्स गो बेबू, क्या सो बैड, चल मौसम में वैसे ठंडी है, सही है उसके लिए, पी लेंगे दो, हम पी लो, चल। कैसी साड़ी? इस पर है सेम कलर है, दिखा दे कलर, क्या दिखाना? एक ब्लैक, एक यो ले लो, एक ये और निकलवा लो, ये सही है, ले लिया, ले लिया बस, तो बाकी और ऑप्शन है नहीं ना, ये तीन ही है। हाँ पता नहीं, शायद लिपस्टिक देखो, यो नहीं अभी, लिपस्टिक क्यों ले लिया? इसकी अच्छी नहीं है लिपस्टिक, मैंने ली है, नेल पेंट ले ले बेटी, मैं सच बता रही हूँ। अप्लाई कहाँ है, वर्क आडो वैसा देख, क्या 7 टाइम का एक है, दो ले लो, की भी तो सही है, ये ले ली, तो बाकी वहाँ पर शिप पे ना, हाँ जब बार के ये देख लो एक बार। तो यहाँ मैं कर रही हूँ कीवी चेंज, क्योंकि इन्होंने ना पूरी सॉफ्ट डाली थी, मेरे को चाहिए थी थोड़ी सी टाइट ताकि 2-3 दिन तक चल पड़े, तो इसीलिए, नहीं तो एक दिन में ही ना वो पूरी सॉफ्ट हो जाती है और फिर वो खानी पड़ती, तो इसीलिए मैंने चेंज कर रही थी, और मम्मी ने ना पूरी वीडियो बना ली, तो ये देखिए, मुझे थोड़ी सी खुशी होती है यार, अब सबको पता है मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मम्मी और जो भी कोई होता है वो ले लेता है वीडियो। चल दर्शन करेंगे आज, रुक जाओ मैं भी आ रही, चलो दर्शन तो कर लो, आ गए सोसाइटी में, चलिए गणपति जी के दर्शन कराते हैं आप लोगों को, है ना, तो ये देखिए पूरा क्लब हाउस, हाँ दर्शन करेंगे गणपति जी के, तो ये पतिदेव, एक रील बना दो इनको भी हाथ में, कभी ऐसे कर। सो गाइस ये देखो गणपति जी महाराज, दर्शन कर लो, गणपति जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कितना प्यारा लग रहा है, देखो एकदम मिट्टी के गणपति भगवान जी, और ये वाले देखो, और डेकोरेशन ये देखो, पूरी प्रॉपर मतलब पूरा क्लब हाउस कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे बाहर। ये कैसे, चलो पड़ेगी, हाँ तो नहीं करवाओगे तो फोटो ले लेते ना हम लोग, मम्मी जा रही है वहाँ नीचे दर्शन कर, कीवी दोनों मांग रहा है कर, एक थोड़ी वैसे थी वो वाली ले लेते, हाँ मैं यही हूँ, जाओ आप। सो गाइस आगे थे हम लोग घर, और आते ही सब्जी बनाई हम लोगों ने, मिक्स वेज यहाँ रखा, पनीर पनीर करूँगी लास्ट में ऐड, तो ये देखिए यहाँ पे सब्जी और आटा वाटा सब लगा दिया मैंने, दूध भी गर्म हो गया यहाँ पे पूरा सब दिया, यहाँ चल रही है नोनू की कीवी, तो बेबू को खानी है, मैं बेतू को कीवी खानी है, मैं बेतू को कीवी। तो यहाँ पे आगे है फ्रूट्स, और हम बहुत सारे लेके आए हैं आज, ये देखिए यहाँ पे ये अमरूद लेके आए हैं, कीवी यहाँ पे, और पाइनएप्पल मेरा फेवरेट है, सबको पता है पाइनएप्पल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए, और मौसमी ये लेके आए क्योंकि डाइटिंग पर रहेंगे, जूस चलेगा, और मैं बेतू भी जूस पीता है, मैं बेतू जूछू जूछू पीता है ना,
और ये लाए हैं टी शर्ट, तो वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लेना था तो ये चार टी शर्ट ली हैं ये वाली, और डेली यूज़ के लिए बेस्ट है एकदम तो केतकी के लिए। और इसमें मम्मी की नेल पेंट है, मेरे पास है ऑलरेडी ये कलर। क्या नहीं, ये चाची की है। सुबह जागे हैं घर और 8 बजने वाले हैं, तो कैसा लगा गणपति जी के दर्शन कराए आप लोगों को, हम भी करके आए, काफ़ी अच्छा लग रहा था और हवा इतनी ठंडी चल रही थी तो बस मस्ती करके आ गए। थोड़ा बहुत जोर कुछ ले रहा था वो लेके आ गए थे। अभी खाना बनाऊंगी फिर मिलूंगी उसके थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी चपातियाँ बनानी है। सब्जी मैंने अभी छोंक लगाया, मम्मी छोंक के गई हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मिक्स वेज है ना, तो थोड़ी देर बाद मिलूंगी। अभी मैं करूँ थोड़ी देर मम्मी से बात, क्योंकि आप पूरा दिन हो गया मम्मी से बात नहीं है, तो फिर मिलती हूं आप लोगों से। सो गाइस आज मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने बनाई है छोले की सब्जी, ये देखिए मैंने छोंक कर दिया इसमें, और ये बनाई है मैंने आलू की सब्जी, तो ये देखिए ये भी रेडी है। और यहाँ बना रही हूँ मैं चीले का रायता, तो किस किस का यहाँ पे बनता है बताना ज़रूर मेरे को, मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ पे बेसन का। और यहाँ पे ये देखिए चीला बन रहा है, और यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है मेरा ये देखिए रायते का बैटर पूरा, मतलब दही लस्सी बना के यहाँ पे इसमें लहसुन डाला, अभी इसमें डालूंगी तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और वो छोले एक्स्ट्रा बच गए थे तो कल हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट में करेंगे, तो ये देखिए एक चीला बन गया, अभी मैं दूसरा बनाऊंगी। यहाँ पे छोले एकदम बस इसमें कसूरी मेथी डालूंगी, बाकी है एकदम पूरी आज बन रहे हैं छोले पूरी और आलू की सब्जी और चीले का रायता। तो किस किस के मुँह में पानी आया ज़रूर बताना क्योंकि मेरे को मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है रायता। सो गाइस ये देखिए जो चीला था उसका मैंने बनाया है ऐसे, और यही डलेगा लस्सी में क्योंकि इसी से टेस्ट आता है, और ये ना थोड़ी देर रखना पड़ता है लस्सी में डाल के फूलता है, ये फिर बेसन है ना, तो ये जाएगा पूरा भी लस्सी में। तो आज का मेन्यू है छोले की सब्जी रेडी है, यहाँ पे बन गया मेरा रायता और यहाँ पे बन गया आलू की सब्जी। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो मैंने ना नेल पेंट निकाल दी थी कल, ये देखो पूरी दिख रही होगी ना, तो आज मैं लगाऊंगी मेरी नेल पेंट, पैर की भी निकाल दी मैंने, और देखिए थोड़े थोड़े नेल्स कट भी कर लिए, तो मैंने अपनी रिंग विंग सब कुछ निकाल दी है। और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, खाना हो गया और टाइम हो गया है 1:15, तो ये देखो आप लोग मेरा ब्लॉग देखो और मैं टाइम ना दिखाऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता। और आज मैंने कड़ा भी निकाल दिया, पति देव टोक रहे थे तो अभी पहनूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि गोल्ड का ना कुछ ब्रेसलेट टाइप छोटा सा ले आऊँ ताकि कंटिन्यू मतलब मेरे इस हाथ में पड़ा रहा है, क्योंकि मैं ना बाहर जाती हूँ इस हाथ में पहनती हूँ अपनी वॉच, तो ये वाली और ये वॉच आई है तो मेरे को इतनी अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसी को ही पहन रही हूँ ज़्यादातर। जो पुरानी है बेचारी वो मेरी कवर्ड में बाहर ही नहीं निकली है जब से ये वाली वॉच आई है, तो मैं एक हाथ में हमेशा से वॉच ही पहनती हूँ, और उस टाइम अपना एक कड़ा निकाल देती हूँ, एक हाथ में रखती हूँ मैं, ये देखो इस वाले हाथ में मैंने अभी भी पहन रखा है। तो अभी मैं जाऊँगी, और आज हाँ शाम को जाना है आज पूजन पे, तो हम लोगों ने रखवाई है पूजा, मतलब पूजा तो क्या, जामोनी का क्लिनिक है ना वहाँ पे पूजा शाम को, गणपति जी बैठे हुए हैं आप लोगों को सबको पता है, तो वहाँ चलेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, तो चलिए मेरे साथ। तो इस ब्लॉग में शायद आप लोग दो दो गणपति जी के दर्शन कर रहे हो, और जो रोड पे मैंने वीडियो लिया शायद वो भी है इसमें ही, तो वीडियो एडिट करनी है अभी, तो मैं सोच रही हूँ अपलोड पे लगा दूँ करके और अनलिस्टेड करके छोड़ देती हूँ, तो अपलोड करूँगी कल। तो ये भी ब्लॉग डालना है और एडिटिंग भी करनी है, सुबह सुबह ना थोड़ी सी टेंशन सी हो जाती है कि यार ये भी करना है वो भी करना है ये सब। और हाँ ये टी शर्ट देखो आज मैंने कितने दिन बाद पहनी है, मतलब जब से मेरे ब्लॉग स्टार्ट हुए ना मैं टी शर्ट पहनना भूल ही गई हूँ, तो पहले मेरी यही चलती थी, और मैं सोचती कि थोड़ा सा अच्छा पहन ले यार घर में पहले तो, ताकि कौन देखता है छोड़ो है ना। तो अभी मैंने सूट सलवार या फिर कुर्ती या फिर ये इस तरह के प्लाजो व्लाजो डालने स्टार्ट कर दिए, तो चलिए। कैसे बन सर जी रायता, तन अच्छा ना लगा वन चिल्ले का रायता, कम कदी बड़ा अच्छा है, छोटे छोटे पीस है ना। अच्छा चलिए बाते थे यहाँ बाते बना रही है पूरी सब्जी बन गई, सब की बना रहे हो बनाने पे सारे। हाँ वैसे तो है ही, फ्रेंड्स मेरी लगी है नेल पेंट, और ये देखिए मैंने ना ये कलर लगाया, मतलब मैंने मैट और उस पर ये स्पार्कलर लगाया ग्रीन वाला, ये देखिए सेम मैंने पैर पे लगाई है, तो जो ये थंब है ना इन पे मैंने बस ये स्पार्कलर वाली लगाई है, बाकी पे पूरी पे ये वाला कलर। तो बताना कि ये कलर कैसा लग रहा है आप लोगों को। और तो हे गाइस होगी हूँ मैं रेडी, टाइम हो गया 6 और हम लोग निकल रहे हैं पूजा के लिए, तो अभी जाएंगे क्लिनिक, तो आज आपको क्लिनिक भी दिखाऊंगी और पूजा भी। तो मैंने ये वाला सूट वेयर करा है और बस सिंपल सा था, जल्दी जल्दी तैयार हो गए क्योंकि हम लोग सो गए और इतनी नींद आई है ना बाय गॉड, 6 बजने वाले हैं हम लोग, उठे हैं 5 बजे के आसपास। तो आज मैंने मेरे मोबाइल पे लगाया न्यू कवर, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैंने पहना है ये वाला सूट और आज मैंने ये वाला कवर न्यू ले लिया, मतलब ट्रांसपेरेंट लेके आई थी मैं, और इस पर मेरा पर्स भी,
मैचिंग ही है। तो ये देखिए, चलिए बाहर लुक दिखाती हूँ सबका, किस किसने क्या पहना। यशवी नहीं जा रही, अंजू नहीं जा रही, क्योंकि अंजू का तो ऑफिस है और यशवी वैसे ही नहीं जा रही, बोल रही है मुझे नहीं जाना। तो चलिए चलते बाहर, बाय। अरे वो उसमें पुराने वाले हैं वो। अच्छा चल, क्या पहन रहा है, क्या मांग रहे हो? गाड़ी में से नहीं वाली चप्पल। तो गाड़ी में पहन ली, चल यहाँ से गोदी चल पड़, गाड़ी में न्यू वाली चल। तो कैसे यशी भी होगी है रेडी, मेरे बेतू भी जा रही है, बोल रही है एंड टाइम पे मम्मा मैं भी जाऊंगी। तो यशी को पहना दिया मैंने कपड़े, यहाँ ले लिए मैंने इनकी एक एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े। तो चलिए चलते हैं। तो ये पहना मैंने सूट, ये देखिए कैसा लग रहा है। वो लाइट ऑन की नहीं करी मैंने जल्दी जल्दी में, क्योंकि हम लोग हो रहे हैं लेट, और आज मैंने मेरी वॉच भी चार्ज कर ली थी पूरी। तो चलिए चल स्टेयर से चलेंगे, चल। तो नवी आ गई, यशवी रोन लग गया आती टाइम, तैयार हूँ। और जय जय, कितना प्यारा लग रहा है। तो भाई देखो ये भी देखो सामने, पूजा करेंगे हम लोग। वाह, ये वाली गद्दी सही काम आ रही है ना अपनी। हाँ, इन्होंने की वाटर बोतल है, चलो अंदर। और क्या, चलो क्या करवा रहे हो आते ही? वो निकाल दे बेटा, शूज निकाल दे, रिमूव योर शूज, उधर बैठ के निकाल ले अपने, देन उन्होंने भी निकाल दिए, ठीक है। हाय, क्या हो गया? अब फिर पेन हो गया क्या? आते ही बैठे चेयर पर, चलो उधर बैठो, बैठो, आजा बैठो। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ नहीं, नोनू के नहीं लग रहा इंजेक्शन, और मेरे दांत में इंजेक्शन लग रहा है। नहीं भाई, नोनू के पेन तो हुई ना, मेरे बेटी के पेन तो है, हनुकर नोनू के इंजेक्शन लगा। वो वाली घूमती है चेयर, उसके आना है तुझे, है ना? इनका तो गेम बन गया। हाँ, ये से घुमा, अब उसे घुमा। अच्छा, पैर नहीं जा रहे ना इसके नीचे। कहाँ था लाए नन देख रहा। हाँ जी, क्या कराना है आपको? दांत निकाल दो क्या? है दर्द हो रहा है क्या आपको? कहाँ दर्द है? इस वाले में। चलिए आपका चेकअप करना पड़ेगा मुझे। हाँ बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें भी दांत निकलवाना है क्या? तुम बिस्किट खा रहे हो, चलो तुम्हारा दांत निकालते हैं, चलो तुम्हारे इंजेक्शन लगेगा वहाँ पे, चलो। सो गाइस, ये था हमारा क्लिनिक और हम पहुंच गए थे यहाँ पे। ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को पूजा करनी थी, तो पहुंच गए थे शाम को। और ये देखिए, यहाँ पे चिप्स खाई जा रही हैं, यहाँ पे मम्मी बैठी हैं, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। तो क्लिनिक ही था और मज़ा आया, जाके पूजा करी। काही क्षणातच श्रींची आरती होणार आहे, तरी सर्व गणेश भक्तांना नम्र विनंती, आपण लवकरात लवकर मंडपाजवळ उपस्थित राहावे। आजच्या आरतीचे मानकरी कर्नल सिंग, कर्नल बीर सिंग जी आणि डॉक्टर विवेक सर जी यांच्या हस्ते होणार आहे, तरी सर्व गणेश भक्तांना नम्र विनंती, आपण लवकरात लवकर मंडपाजवळ उपस्थित राहावे। आपण
मंडपाजवळ उपस्थित राहायचंय. आरतीला सुरुवात होत आहे. आजच्या आरतीचं मान करी श्री विवेक सरजी आणि कर्नल बीर सिंग जी. तो यहाँ पहुँच गए हम लोग पंडाल में जहाँ पे गणपति जी बैठे हुए थे. ये देखिए, तो यहाँ करेंगे अभी पूजा. और मैंने आवाज़ म्यूट इसलिए कर दी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता सॉन्ग से, मतलब भजन चल रहे थे वहाँ पे, तो इसीलिए म्यूट करना पड़ा. और मम्मी देखिए पूजा के लिए ऊपर आ गई, हम लोग भी जाएंगे अभी. तो चलिए पूजा करते और दर्शन करते हैं. तो यहाँ हो गई थी हम लोगों की पूजा स्टार्ट. मम्मी पापा कर रहे थे यहाँ पे, मैं यशी को करा रही थी. और जो सुकून जो शांति आपको यहाँ पे आके मिल सकता है ना, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता. तो ये देखिए, बस मन हो रहा था कि यहीं पे बस ऐसे ही खड़े होके मैं देखी जाऊँ और आरती करे जाऊँ. तो बस सुकून और शांति. तो गाइस पहुंच गए हैं घर हम लोग और टाइम हो गया है 9:10. तो ये देखिए रात का, बस अभी खाना खाएंगे, भूख भी लगी है बहुत तेज. यशे के लिए भी लेके आ रही हूँ मैं. तो बस कैसा लगा वीडियो जरूर बताऊंगा. गणपति जी का आप लोगों ने सबने दर्शन किया है ना, आज तो बहुत सारे थे भाई रस्ते में, वीडियो आधे तो ले भी नहीं पाई. तो बस दर्शन हो गए, पूजा करके आए, अच्छा लगा. तो जो भी नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है ना. तो मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ.